हमने एल्गी शुरू की थी, वी हैड डन ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, राइट? सो टुडे इज रेड एल्गी. रेड एल्गी कौन सी क्लास को बिलोंग करती है? क्लास रोडोफाइसी. इसमें हैबिटेट क्या है इसके फीचर्स क्या है बेटा? या पहले एग्जांपल्स हम बात कर लें. एग्जांपल इज पोरफायरा. इस तरह से हेलोइड्स का स्ट्रक्चर है इसका. दिस इज पोरफायरा. अनदर इज जिलीडियम. अनदर इज ग्रेसिलेरिया. अनदर इज बट्रेकोस्पर्मम. अनदर इज पॉलीसाइफोनिया. अनदर इज लिमेनिया. अनदर इज कॉन्ड्रस क्रिस्पस. कॉन्ड्रस क्रिस्पस को हम और क्या बोल देते हैं? आयरिश मॉस. इसका कॉमन नेम है. ये मॉस नहीं है, है तो रेड एल्गी है, बट आयरिश इसको हम कह देते हैं आयरिश मॉस. इसमें बाकी सब रेड कलर की है. दिस बट्रेकोस्पर्मम इट इज कलरलेस. लिमेनिया कलरलेस. बाकी सब जो है रेड कलर. ठीक है. अब बेटा क्या है पहले समझो कि रेड एल्गी कहाँ रहती है. रेड एल्गी बेटा मैम बोर्ड ब्लर आ रहा है मैम, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है. मैं थोड़ा सा करूँ तो शायद. यस मैम. यस मैम अब ठीक है. ठीक है चलिए. जो रेड एल्गी है इट इज रेड इन कलर, राइट? तो रेड इन कलर क्यों है? क्योंकि इसके पास एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है. पहले समझना है. फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं. बेटा समरीत आप मुझे बताओ कि ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर कौन देता है बच्चे? म्यूकोजेंथिन. इट इज ए जेंथोफिल. ठीक है. और ऐसे ही अगर हमने आपको मोनरा का याद हो तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसमें ब्लूइश टिंच है. ब्लूइश टिंच फाइकोसियानिन देता है. ऐसे ही रेड एल्गी में जो रेड कलर है एक ये इसको हम कहते हैं इट इज ड्यू टू फाइको बिली प्रोटीन. इसका क्या नाम है? फाइको एरिथ्रिन. एरिथ्रिन फाइको मतलब एल्गी, एरिथ्रिन का मतलब है रेड. ठीक है. तो एल्गी में रेड कलर जो दे रहा है पिगमेंट उसका नाम है फाइको एरिथ्रिन. इज इट ओके? बट इस फाइको एरिथ्रिन क्यों, इसी में ही क्यों है? क्योंकि बेटा ये डीप सी में जब मिलती है ना, जहां पे लाइट बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ रही, तो फाइको एरिथ्रिन वो जो थोड़ी सी हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको भी एब्जॉर्ब करने के काम आता है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फाइको एरिथ्रिन. तो इसका मतलब जो अगर सरफेस पे एल्गी है, रेड एल्गी अगर सरफेस के पास है तो उसमें तो फाइको एरिथ्रिन की जरूरत ही नहीं है. ये बिल्कुल ठीक है. तो फाइको एरिथ्रिन तो सिर्फ इसलिए है कि जो रेड एल्गी नीचे बहुत नीचे है तो वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही, या बहुत सारी लाइट नहीं पहुंच रही, जो थोड़ी सी लाइट पहुंच रही है दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय फाइको एरिथ्रिन हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. जबकि जो रेड एल्गी सरफेस के पास है, ठीक है, जैसे बट्रेकोस्पर्मम एंड लिमेनिया,
these are found in superficial water, right? Yeah, you can say these are found on the एक तो fresh water में है और ऊपर वाली upper layers of fresh water. Therefore, they can get light easily and they don't have phycoerythrin. इसीलिए ये Batrachospermum and Limania जो है वो colorless, right? तो पर फिर ये हमने इसको red algae में क्यों रखा है? क्या जरूरत थी अगर ये तो colorless है? क्योंकि बाकी features इसके red algae की तरह से है. तो और क्या features है? हम उसकी बात करते हैं. तो पहले तो characteristics. Of red algae. सबसे पहले तो अगर हम बात करें हैबिटेट की, मैरीन एंड फाउंड इन बहुत ज्यादा डीप तो नहीं, शेलो वॉर्म सीज है तो समुद्र में ही, एक्सेप्ट आपने पूरा लिखना है Batrachospermum and Limania, आपने पूरा नाम लिखना है. दीज आर फाउंड इन upper layers of fresh water. ये habitat है, ठीक है जी. और इसके बाद इसका habit क्या है, कैसी दिखती है ये? habit क्या है? mainly thalloid, ठीक है, इस तरह से नजर आती है, लीफ लाइक नजर आती है, तो ये थैलोइड है, ठीक है. बट पॉलीसाइफोनिया अगर हम बात करें, पॉलीसाइफोनिया इस तरह से नजर आता है, दिस इज पॉलीसाइफोनिया, ठीक है. और यहां पे एक पॉइंट और लिखना है, सम रेड एल्गी हैज डेपोजिशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट बाहर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशंस भी है, ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कौन से है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी प्लस फाइकोएरिथ्रिन. पीई आपने पूरा लिखना है, phycoerythrin, and this phycoerythrin gives red color to algae and absorb light in, you know, bottom of sea. चाहे शेलो सीज है बट फिर भी समुद्र तो समुद्र ही है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिजर्व फूड. रिजर्व फूड रेड एल्गी में है फ्लोरिडियन स्टार्च. Reserve food is Floridian starch.
नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात लिख रही हूँ. फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोस. तो सभी में ही होता है सेल्यूलोस एंड सल्फेटेड हाइड्रोकोलॉइड्स सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोकोलॉइड्स सच एज कैराजेन या कैराजेनिन राइट. देन रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट है ये फ्लैजेला एब्सेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल. बेटा चाहे गैमेट्स है चाहे स्पोर्स है या कोई भी चीज है यहाँ पे फ्लैजेला बिल्कुल भी नहीं है. रेड एल्गी टोटली लैक्स फ्लैजेला राइट. देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है फ्रेगमेंटेशन से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स. जो स्पोर्स है वो नॉन मोटाइल है कोई मोटाइल नहीं. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओओगैमस. सभी रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है ओओगैमस. गैमेट्स अगेन हम बात कर रहे हैं नॉन मोटाइल. जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड. क्योंकि मियोसिस के बाद क्रोमोसोम नंबर तो आधे ही होंगे ठीक है. टू फॉर्म हैप्लोइड नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स. जो मियोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं उनको मियोस्पोर्स कहते हैं. बट अगेन फ्लैजेला नहीं है इसलिए नॉन मोटाइल स्पोर्स है. विच जर्मिनेट टू फॉर्म एल्गी. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रेड एल्गी दैट इज क्लास रोडोफाइस राइट. लिख लो पहले कर लेते so comparative study of different classes of algae. यहाँ पे क्लासेस कौन सी है. फर्स्ट है क्लोरोफाइसी. सेकंड है फियोफाइसी. एंड थर्ड है रोडोफाइसी. इनका बेटा आपने कंपैरेटिव स्टडी फर्स्ट है हैबिटेट सेकंड है हैबिट
थर्ड सेल वॉल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, देन रिजर्व फूड, फ्लैजेला, एसेक्सुअल स्पोर्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से समरीत, ये जल्दी से पहले आप खुद फिल करो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। इसकी हैबिट ग्रीन एल्गी की, देखो जरा ये लिखा है आपने, दे मे बी यूनिसेलुलर सिंगली अकरिंग और कॉलोनियल। सम फॉर्म्स फिलामेंटस एंड सम पेरेंथेलॉइड फॉर्म्स आप कह सकते हैं, सम थैलॉइड। जो ब्राउन एल्गी है, सबसे पहले तो ऑल मल्टी सेलुलर, एमसी मतलब मल्टी सेलुलर, यूसी यूनिसेलुलर, ऑल मल्टी सेलुलर एंड लार्ज। दे मे बी सिंपल और प्रोफ्यूजली, या सिंपल ब्रांच्ड है या बहुत ज्यादा ब्रांच्ड है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म्स और हेलोइड फॉर्म्स। जो रेड एल्गी है, दीज आर मेनली मल्टी सेलुलर, हम ये तो नहीं कह सकते ऑल, ये ऑल मल्टी सेलुलर है। ब्राउन एल्गी में कोई यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं आती है, दीज आर मेनली मल्टी सेलुलर एंड थैलॉइड। सेल वॉल, सेल वॉल में आउटर लेयर ऑफ पेक्टिन्स एंड इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोस। उसके बाद ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी आपको पता है सेल्यूलोस एंड नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलॉइड्स या हाइड्रोकोलॉइड्स सच एज एल्जिन। यहां पे है सेल्यूलोस एंड सल्फेटेड हाइड्रो या फाइकोकोलॉइड, एक ही बात है, फाइको मतलब वो कोलॉइड्स जो एल्गी में प्रेजेंट, सच एज केराजेन। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यहाँ पे है क्लोरोफिल ए बी प्लस बीटा कैरोटीन, यहाँ पे है ए, क्लोरोफिल सी एंड फ्यूकोजेंथिन, हियर इट इज क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी प्लस फाइको एरिथ्रिन। रिजर्व फूड, हाँ जी समरीत बोलो, रिजर्व फूड क्या है ग्रीन एल्गी का? मैम अमाइलो स्टार्च, अमाइलो स्टार्च।
हां जी पवन ज्योत, ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड क्या है? मैम ब्राउन एल्गी का मैम मतलब हम जो वो खाते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं, खाता है तो कुछ नहीं खा क्योंकि बनाते हैं अपना खाना तो कुछ, ठीक है, स्टोर क्या करते हैं फूड मैम, मतलब वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं ब्राउन एल्गी? बोलो मैम वो एल से होता है। हाँ एल से होते हैं, एक होता है मैनिटोर और लेमिनेरियन स्टार्च। यस मैम वही वही। हाँ या सिंपल लेमिनेरे मैम, लेमिनेंट लेमिनेरिन एन ए आर आई एन लेमिनेरिन या लेमिनेरियन स्टार्च एक बात है, और यहाँ पे इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, और यहाँ पे अमाइलो स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉप्स। फ्लैजेला इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट आर एपिकल, ऊपर एपिकल का मतलब होता है ये, दिस इज एपिकल, एपिकल एंड होमोकॉन्टस, ये मैंने टर्म आपको बताई थी, होमोकॉन्टस मतलब ऑल सिमिलर, जबकि यहां पे फ्लैजेला आर लेटरल, साइड्स में प्रेजेंट है इस तरह से, एंड हेट्रोकॉन्टस, वन इज लॉन्ग वन इज शॉर्ट, दिस इज हेट्रोकॉन्टस, और रेड एल्गी में फ्लैजेला एब्सेंट। एसेक्सुअल स्पोर्स अगर हम कहेंगे तो मोटाइल जूओस्पोर्स, मेनली यहां पे भी मोटाइल, जब मोटाइल है तो मोटाइल का मतलब है फ्लैजिलेटेड, राइट, फ्लैजेला से ही मूव करेगा, सो मोटाइल अगेन जूओस्पोर्स, और यहां पे नॉन मोटाइल स्पोर्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्लोरोफाइसी में, इट कैन बी आइसोगैमस, कईयों में आइसोगैमस है, कईयों में एनआइसोगैमस है, आपने पूरा लिखना है, या फिर उओगैमस है। ब्राउन एल्गी में भी सेम है, आइसोगैमस या एनआइसोगैमस या उओगैमस, जबकि रेड एल्गी में ऑल उओगैमस। इज इट ओके? सो दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कर दिया ताकि मिक्सिंग ना हो, और ये अगर कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले रह गए हैं तो वो कर लो नोट। चलिए जी, राइट डाउन, फर्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, द फर्स्ट
द फर्स्ट प्लांट्स विच ओरिजिनेटेड फर्स्ट प्लांट्स विच ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ आर डैश मतलब नेम बताना है ना उनका हाँ ग्रुप बताना है यस मैम वो है ब्रायोफाइट्स एल्गी देखो ध्यान से मेरी बात सुननी है आपने ऐसे नहीं पहले लिख लो और फिर देखना फर्स्ट ओरिजिनेटेड प्लांट्स आर डैश अर्थ पे मतलब जमीन ये नहीं कि टेरेस्ट्रियल नहीं सबसे पहले कौन से प्लांट्स आए थे अर्थ पे ये बताना है फर्स्ट नॉन वेस्कुलराइज्ड लैंड प्लांट्स आर डैश मैंने ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मतलब हाँ क्रिप्टोगेम्स इंक्लूड डैश डैश एंड डैश स्टडी ऑफ एल्गी is dash red color to the algae is due to dash the algae which are considered as ancestor of higher plants is dash आपने बताना है green algae brown algae की red algae Flagella helps in dash. क्या function है flagella का? Chromatic adaptation. Light से concerned है chromatic adaptation in red algae. Is due to dash. The two flagella in zoospores of brown algae differs in dash. Agarophytes belong to class dash of algae. Irish moss is dash. कहाँ पे बेटा मैम नाइन्थ में ई ए बी ए ब्राउन एल्गी मैंने बी लिखा ओके मैम ब्राउन एल्गी अगैरोफाइट इज डैश आपने अगैरोफाइट की एग्जांपल देनी है
edible alga is dash protein rich algae. Is dash sea kelps are dash largest algae is dash the type of sexual reproduction in red algae is dash volvox is dash eudorhina is dash Spirogyra is dash. और यहाँ पे कुछ एक और लिखना Rolling alga is dash. Mermaid stresses is dash. ठीक है जी, चलिए ये कर लीजिए पहले. चल बेटा बोल पवनजोत, फर्स्ट का बता बेटा. मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट नहीं है, चलो समरीत बताएगी फर्स्ट. हाँ बिल्कुल ठीक है, एल्गी. फर्स्ट ओरिजिनेटेड प्लांट्स आर एल्गी. सेकंड बता बेटा पवनजोत. ब्रायोफाइट्स. सेकंड आर ब्रायोफाइट्स, वेरी गुड. थर्ड समरीत. मैम ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. बेटा इट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. मैम फर्न्स नहीं होंगे? फर्न्स भी बेटा वो टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं ना. सो ओके, मतलब हाँ Gymnosperms and angiosperms are phanerogams, seed-bearing plants. Cryptogams, non-seed-bearing plants. ठीक है? तो इसमें algae, bryo and pterito. Next, Pavanjot, study of algae. मैं एक्लूलोजी. हाँ? मैं एक्लूलोजी, मैं AGLO. मैं एक्लूलोजी होता हूँ, मतलब ऐसे, मैं ऐसे कुछ है. Mycology होता है. फंजाई का, एल्गी का है फाइकोलॉजी, PHY, फाइको. यस मैम वही बोल रहा था, वो प्रोनाउंस करना है. चलो फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी. ओके नेक्स्ट समरीत. फाइको एरिथ्रिन, फिफ्थ का है फाइको एरिथ्रिन. मैम ये पिगमेंट होता है ना उसके अंदर, तो वो रेड होता. हाँ जी, ड्यू टू पिगमेंट फाइको एरिथ्रिन. सिक्स्थ बता बेटा. मतलब वो पिगमेंट मतलब रेड कलर के अलावा और क्या करता है उसमें? वो बेटा लाइट को अब्सॉर्ब करता है. अभी तो मैंने रेड एल्गी में बताया था आपको. मैम वो मतलब ब्लू लाइट वो अब्सॉर्ब करता है सर? नहीं नहीं, ब्लू लाइट या कोई सी भी जो लाइट डीप सीज में चली जाती है. ओके. द एल्गी व्हिच आर कंसीडर्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स इज. हां जी पवनजोत. नहीं आप सोचो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, कौन सी हो सकती है? अंदाजा लगा. ग्रीन एल्गी. हाँ ग्रीन एल्गी, बिल्कुल ठीक है. समरीत ने आंसर ठीक दिया, ग्रीन एल्गी. पवनजोत, फ्लैजेला हेल्प्स इन. मैम फ्लैजेला का मैम मतलब इसमें क्या बताऊं मैं? उसका क्या फंक्शन, फ्लैजेला का क्या फंक्शन होता है? It is locomotion. Very good, Samrit. It is locomotion.
क्रोमेटिक तो मतलब वो हर एल्गी में प्रेजेंट होता है वो? नहीं बेटा हर एल्गी, अभी तो डिफरेंसेस करवाया देखो उसमें जरा, ठीक है? रेड एल्गी में बिल्कुल भी नहीं है। क्रोमेटिक अडेप्टेशन इन रेड एल्गी इज ड्यू टू सम रीत फाइकोरेथ। फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट, फाइको एरिथ्रिन। पवनजोत लिखते रहे बेटा, क्वेश्चन यस मैं अभी लिख रहा था। नंबर 8 का आंसर है फाइको एरिथ्रिन। द फ्लैजेला इन जूओस्पोर्स ऑफ ब्राउन एल्गी डिफर्स इन। पवनजोत कैसे हम कहते हैं हेट्रोकॉन्टस फ्लैजेला है, कैसे डिफर करता है? मैम उसमें मैम जैसे एक में जैसे मोटाइल्स मतलब स्पोर्स होते हैं और एक में मतलब नहीं होते हैं। बेटा मोटाइल स्पोर्स दो फ्लैजेला है जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं ब्राउन एल्गी के जूओस्पोर्स में, और वो दो फ्लैजेला मतलब मोटाइल डिफरेंट है। जूओस्पोर होते हैं और एक में नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं मैं मतलब क्या कह नीचे। रही हूँ बेटा, सुन तो सही, क्वेश्चन सुनना, कहाँ पहुंच रहे तू। मैं कह रही हूँ ब्राउन एल्गी में दो फ्लैजेला है जो मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, ठीक है? उनके लोकोमोशन में वो दो फ्लैजेला अलग अलग है। वो कैसे अलग है, क्या फर्क है उनमें? उनके साइज में फर्क है, डिफर्स इन साइज, वन इज स्मॉलर वन इज लार्जर। हाँ जी नेक्स्ट, एगेरोफाइट्स बिलोंग टू क्लास। हाँ जी पवन ज्योत, मैम एगेरोफाइट्स मैम ये ब्रायोफाइट्स से होते हैं? हाँ रेड एल्गी, इट इज रेड एल्गी। रेड एल्गी मीन्स रोडोफाइसी ऑफ एल्गी। एगेरोफाइट्स बिलोंग टू रोडोफाइसी ऑफ एल्गी। आयरिश मॉस इज, क्या नाम है आयरिश मॉस? प्रोग्रेस कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इट इज कॉन्ड्रस। पवन जो जो आते हैं मुझे बताते चलो, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। ओके एगेरोफाइट इज जेलीडियम, GELIDIUM, जेलीडियम। कुछ हम ये एक्सप्लेन करना है जल्दी डीएम वाला। नहीं, एगेरोफाइट का नाम बताना था, किससे अगर अगर मिलती है। ओके मरमेड मैंने स्ट्रेसेस, ब्राउन एल्गी नहीं बेटा मरमेड स्ट्रेसेस इज स्पायरोगायरा। स्मूथ मरमेड होती है जो हम कहते हैं जलपरी, जलपरी को बोलते हैं मरमेड। उसके सुंदर से हम इमेजिनेशन है कि बहुत सुंदर स्मूथ से उसके बाल है, और ऐसी ही स्मूथ कौन सी एल्गी होती है? स्पायरोगायरा। उसको हमने कह दिया मरमेड स्ट्रेसेस। नेक्स्ट, रोलिंग एल्गा इज वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स। रोलिंग एल्गा इज वॉल्वॉक्स। एडिबल एल्गा इज, बोलो कोई, बोलो कोई आंसर दो। मैम क्लोरेला। इसका मतलब हाँ मैम एडिबल इसमें मतलब एल्गा। हमें कौन सी हाँ एलगी बतानी है कि मतलब रेड एलगी ब्राउन एलगी ऐसे बता सकते हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, क्योंकि हरेक में आ जाती है, बट इसमें आपने एग्जांपल्स बतानी है। एडिबल एल्गा बेटा, हम जो जनरली क्लोरेला से तो हम प्रोटीन्स निकालते हैं ना, एडिबल एल्गा इज पोरफायरा। सार्गेसम भी नहीं है, पोरफायरा। ओके मैम प्रोटीन। हाँ जी मैम हाँ जी बेटा बोलो बोलो। हाँ मैम वैसे तो हमने सार्गेसम, स्टार्टिंग में लिखा था एडिबल एल्गी एज सरगेसम लैमिनेटा एंड सुकर। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वैसे तो तीनों ठीक है। ठीक है तो आपका भी ठीक है, तो यहाँ पे एडिबल एल्गी आर लेमिनेरिया पोरफायरा सार्गेसम, कोई सा लिख देना। लार्जेस्ट एल्गी इज, मैम वो केल्प करके है ना हाँ कुछ सी केल्प्स आ जाता जाइंट? है। हाँ यस बट एग्जाम्पल अगर उसको कह दें, सी केल्प्स भी लिख सकते हो, बट और थोड़ा सा अच्छा उससे ऊपर भी तो है। सी केल्प्स आर, सी केल्प्स आर लार्ज ब्राउन एल्गी। सी केल्प्स आर लार्ज
ब्राउन एल्गी. एंड लार्जेस्ट एल्गी इज मैक्रोसिस्टिस, MACRO मैक्रोसिस्टिस, CYSTIS मैक्रोसिस्टिस. मैंने एक सेकंड में लिखा नहीं है. लिख लो लिख लो. लार्जेस्ट एल्गी इज मैक्रोसिस्टिस. टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी इज, आपने बताना है यहाँ पे आइसोगैमी एंड आइसोगैमी उओगैमी में से, इनमें बताना है. रेड एल्गी मम्मी भी रह गया, प्रोटीन रिच एल्गी वाला भी रह गया. हाँ, प्रोटीन रिच एल्गी इज क्लोरेला. मम्मी ब्लू ग्रीन एल्गी में भी तो आता है, हाँ स्पायरुलिना भी हम कह सकते हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी में आ जाता है. वन इज स्पायरुलिना, अनदर इज क्लोरेला. मैं मतलब ऐसा तो नहीं आएगा ना कि जैसे मतलब प्रोटीन रिच एल्गी है, एक में आएगा ऑप्शन में ब्रूग्लिन, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, एक में स्पायरुलिना. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक ही चीज आएगी. ओके मैम. बट यहाँ पे मेन एल्गी पूछा ना, ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं पूछा, यहाँ पे हम क्लोरेला लिखेंगे. ओके मैम. टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी इज ओगैमी. Oogamy, OOGAMY, Oogamy. Volvox, brown. Volvox में भी Oogamy. Euderina, Anisogamy. Euderina में Anisogamy. एंड स्पायरोगायरा आइसोगैमी. दोबारा से रेड एल्गी में उओगैमी, वॉल्वॉक्स में उओगैमी, यूडोराइना में एनाइसोगैमी, स्पायरोगायरा में आइसोगैमी. और एक फ्यूकस आ जाता है, FUCUS. फ्यूकस इज अगेन उओगैमी. फ्यूकस में भी उओगैमी. मैम आप एक बार इसके आंसर मतलब ग्रुप में अपलोड कर सकते हो. बेटे देखो, एक तो मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ सारा, आप उसमें भी देख सकते हो. और ये मैं समरीत को कह देती हूँ. समरीत बेटा, तुमने लिख लिया होगा ना, तो फोटो खींच के ग्रुप में भेज देना. ओके, एक बार सारा फोटो खींच के ग्रुप में भेज देंगे. मैम स्पायरोगायरा का क्या है? स्पायरोगायरा का है आइसोगैमी. व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी. सेकेंड क्वेश्चन लिखिए. Why algae? Why algae are called as non-embryophytes? Non-embryophytes. What is the economic importance of algae? ठीक है जी, करो पहले ये. मैं अब ये देख लो, है तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी मेनली डन ऑन द टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स एंड द टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड. लिख लो, दो फीचर्स है. द एल्गी
are classified into three classes, based on type of chlorophyll pigments and the type of reserve food. ये दो main features है जिसके basis पे हम algae को three classes में divide करते हैं. उसके बाद second question है, why algae are called as non-embryophytes? Because the zygote, थोड़ा सा और explain कर देंगे. Answer ठीक है आपका? Because the zygote divides to form meiospores directly. Because the zygote undergoes meiosis to form meiospores without developing into embryo. और economic importance आपको पता है कि क्या है, ये मैंने आपको लिखवाई हुई. ठीक है, और क्वेश्चन लिख लो ताकि आपको पता हो भी कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. डिफरेंसेस इन रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. डिफरेंसेस मैम ये भी उनके मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट पे और नहीं, वो तो मैंने देखो पूरा टेबल बेटे लास्ट में जो लिखवाया है वो सारा आप करोगे. अच्छा मैम वो पूरा लिख दे. हाँ, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. ठीक है, यही क्वेश्चंस आने हैं. बाकी मैंने आपको ये करवा दिया, बाकी कल एमसीक्यूज आ जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा. ओके बेटा, तो आज हम थोड़ा सा यहीं तक ही करेंगे, राइट?